2008 अमरनाथ भूमि समझौते को लागू करो लागू करो लागू करो आंदोलन में राष्ट्रवादी युवाओं पर लगे मुकदमे वापस लो वापस लो बम बम बोले तालियां करें बम बम बोले बम बम बोले बम बम बोले भारत माता के यहां के लोगों ने आंदोलन किया और दो महीने से ज्यादा यहाँ पे कारोबार ठप रहे, दुकानें बंद रहीं, व्यापारी संस्थान बंद रहे और बहुत सारे यहाँ के बशिंदगान जो हैं वो शहीद हो गए आस्था की इस लड़ाई में। बहुत सारे नौजवानों के ऊपर क्रिमिनल केसेस रजिस्टर किए गए और कई हज़ार करोड़ रुपए का नुकसान व्यापारियों का, होटल्स का और ट्रांसपोर्टर्स का हुआ। और उस एजिटेशन के दौरान एक समझौता हुआ था 61 दिन के बाद अमरनाथ जी संघर्ष समिति के बीच में और गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में, जिसमें यह तय पाया गया था कि जो शहीद हुए हैं लोग उनके परिजनों को एक्स ग्रेशिया दिया जाएगा, जो इंजर्ड हुए हैं उनको भी कंपनसेशन दी जाएगी, जो क्रिमिनल केसेस रजिस्टर हुए हैं उनको वापस लिया जाएगा और जो नुकसान हुआ है, फाइनेंशियल लॉसेस यहाँ के लोगों के हुए, उनको कंपनसेट सरकार द्वारा किया जाएगा। लेकिन कोई भी कार्रवाई इस संदर्भ में सरकार की तरफ से नहीं की गई। कांग्रेस और एनसीसी की सरकार उसके बाद रही, उसने भी नहीं किया। फिर बीजेपी ने बड़े बड़े वादे इलेक्शन के दौरान किए कि वो इस समझौते को लागू करेंगे अगर उनकी सरकार आती है, लेकिन उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं की। यहाँ के नौजवानों से केस विड्रॉ नहीं किए गए, जो शहीद हुए थे उनके परिजनों को एक्सक्रेशिया नहीं दिया गया और उस एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई भी कार्रवाई उनके द्वारा नहीं की गई, बल्कि कश्मीर के अंदर 10,000 से ज़्यादा पत्थरबाजों की रिहाई सरकार ने कर दी। यहाँ के लोगों को जिस तरीके से मुकम्मल तौर पर अनदेखी की जा रही है, पैंथर्स पार्टी उसकी कड़ी मुजम्मत करती है। भारतीय जनता पार्टी ने उस एजिटेशन के बाद 11 सीटें यहां से हासिल की और फिर 2014 में यह कहा कि हम जम्मू की लड़ाई लड़ेंगे और अमरनाथ जी के एजिटेशन के दौरान जो एग्रीमेंट हुआ था उसको भी लागू करने का इन लोगों ने वादा किया और 25 सीटें हासिल की। लेकिन कभी भी इस इशू को कैबिनेट के अंदर या असेंबली में रेकअप नहीं कर पाई भारतीय जनता पार्टी, जिसकी हम कड़ी मुजम्मत करते हैं। जम्मू के लोगों को आपको उसका अधिकार देना होगा, जम्मू के साथ न्याय करना होगा। और आज गवर्नर महोदय से हम अपील करना चाहते हैं कि आपके दौरान चूंकि ये समझौता हुआ था और जम्मू के लोगों के साथ इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने विश्वासघात किया है, अब तमाम नजरें आपकी तरफ हैं, सरकार की बागडोर आपके हाथों में है। आज हम आपसे उम्मीद करते हैं, आपसे गुहार लगाना चाहते हैं कि उस एग्रीमेंट को जो है वो इंप्लीमेंट किया जाए ताकि जम्मू के लोगों के साथ भी न्याय हो सके और जो वादे उनके साथ किए गए थे उनको पूरा किया जा सके।